हर दिन टीवी पर कई खबरें खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं, जो लोगों का ध्यान भरपूर अपनी तरफ खींचती हैं। टीवी की रोजाना लेटेस्ट खबरों से तो हम आपको अच्छी तरह से रूबरू करवाते ही हैं। लेकिन अगर इस हफ्ते की टॉप खबरों से आप अनजान रहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्रेजी फोर टीवी अपने व्यूवर्स के लिए इस हफ्ते की 7 बड़ी खबरें जो लाया है। हफ्ते में छाने वाली पहली टॉप न्यूज, बिग बॉस 16 की नई थीम ने बांधा समा, अभी से फैंस में क्रेज। बीते दिनों बिग बॉस 16 से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आई, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि इस बार शो को अलग बनाने के लिए शो की थीम अंडर वाटर रखी गई है। सेट से सामने आई ये तस्वीरें खूब वायरल हुई, जिसे देख फैंस में नए सीजन को देखने की एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है। हफ्ते में छाने वाली दूसरी टॉप न्यूज, दिव्यांका त्रिपाठी ने फैट शेमिंग पर ट्रोल्स की लगाई क्लास। बीते दिनों दिव्यांका त्रिपाठी अपने एक वीडियो के कारण खूब लाइमलाइट में रही। दरअसल दिव्यांका ने अपने एक डांस वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका पेट काफी बाहर निकला हुआ नजर आया, जिस पर जहां लोग दिव्यांका के बड़े हुए पेट को उनकी प्रेगनेंसी से जोड़ने लगे, तो कुछ ओवरवेट होने के कारण उन्हें ट्रोल करने लगे, जिसके बाद दिव्यांका ने पोस्ट लिख लोगों की क्लास लगा दी और उन्हें बेवकूफ तक बताया। हफ्ते में छाने वाली तीसरी टॉप न्यूज, पारस कलनावत ने अनुपमा छोड़ मचाया हड़कंप। बीते दिनों अनुपमा शो के एक्टर पारस कलनावत खूब सुर्खियों में रहे। दरअसल पारस ने इस बड़े शो को झलक दिखलाने के कारण छोड़ दिया है, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया। पारस ने ये तक कहा कि वो दोनों शो करना चाहते थे, लेकिन मेकर्स चाहते थे कि वो एक ही शो को चुने, जिसकी वजह से उन्होंने झलक को चुना। इसके अलावा पारस ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अनुपमा शो में वो अपने किरदार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हफ्ते में छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, टूट गया राकेश शमिता का रिश्ता, दोनों ने किया बड़ा ऐलान। हाल ही में शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने अपने ब्रेकअप के ऐलान से सभी को चौंका दिया। वैसे तो बीते कई हफ्तों से दोनों के ब्रेकअप की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जिस तरह से 26 जुलाई की शाम दोनों ने अपने पोस्ट के जरिए अलग अलग होने का ऐलान किया, उससे उनके फैंस का दिल टूट चुका है। हफ्ते में छाने वाली पांचवी टॉप न्यूज, फिनाले में पहुंचे दो कंटेस्टेंट, इस दिन होगा फिनाले। खतरों के खिलाड़ी 12 को लेकर हर किसी में काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। हाल ही में खबरें सामने आई कि शो के फिनाले में मोहित मलिक और फैजल शेख के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा ये तक जा रहा है कि शो का फिनाले अब सितंबर के मिड में होगा। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर इन दोनों कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है कि आखिर इन दोनों में से कौन बनेगा शो का विजेता। हफ्ते में छाने वाली छठी टॉप न्यूज, श्रद्धा छोड़ेंगी अपना शो, सोशल मीडिया पर मचा हाहाकार। हाल ही में श्रद्धा के एक पोस्ट से खूब फैंस में हाहाकार मच गया। दरअसल श्रद्धा ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन की एक स्लिप नजर आ रही है, जिसमें श्रद्धा का नाम भी लिखा नजर आ रहा है। इस स्लिप को देख लोग दावे करने लगे कि श्रद्धा आर्या अब कुंडली भाग्य को छोड़ने वाली हैं और धर्मा प्रोडक्शन के साथ वो किसी फिल्म में बिजी हैं। हालांकि श्रद्धा ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो कुंडली भाग्य छोड़ रही हैं या फिर नहीं। हफ्ते में छाने वाली सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, अनीता हसनंदानी मम्मी बनने के 1.5 साल बाद कर रही हैं टीवी पर वापसी। अनीता हसनंदानी ने पिछले साल 9 फरवरी 2021 को बेटी आरव को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद से उन्होंने टीवी से दूरी बना ली थी। अब बेटे के 1.5 साल के पूरा हो जाने के बाद उन्होंने काम में वापसी का मन बना लिया है। एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी आरव के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने बताया कि उनके लिए वापसी करना बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा काम है। फिर तो यह है इस हफ्ते छाने वाली 7 बड़ी खबरें।